नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे कुछ शेयर्स जो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। हमने हमेशा से ये चीज डिस्कस की है कि जो शेयर्स हैं जो आप चूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, वो हमेशा से सॉलिड शेयर होने चाहिए। उन शेयर्स में अच्छी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये बाजार के जो मूवमेंट है, बाजार की जो चाल है, बाजार का जो ट्रेंड है, ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग हैंड से डिसाइड करते हैं। ये वो लोग हैं जो बाजार को चलाते हैं, जिनको हम FIIs के नाम से जानते हैं, हम इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनीज के नाम से इनको कह सकते हैं, हम इनको म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, बहुत सारे नाम इनके हो सकते हैं, इनको FPIs कह सकते हैं, इनको हेज फंड कह सकते हैं। बेसिकली इंस्टीट्यूशन वो बड़े प्लेयर्स हैं जो हिंदुस्तान में हुए होते हैं अपने अच्छे खासे पैसे को यहां लेके आके बाजार से अच्छी रिटर्न्स बनाने के लिए, और जिनकी बाइंग और सेलिंग की वजह से ही बाजार में अच्छी खासी मूवमेंट आती है। तो इस वीडियो में डिटेल्ड उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इंस्टीट्यूशंस बहुत ही एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। पहले उनकी शेयर होल्डिंग क्या थी, अब उनके शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्या हुई है, सब देखने की कोशिश करेंगे। थोड़े फाइनेंशियल्स पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि वो कंपनी वाकई लेने लायक है या नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप एक न्यूज सोर्स के ऊपर बिलीव करें। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, सब गूगल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, बट कोशिश किया इसको कंपाइल करने के लिए आपके लिए कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, यूट्यूब को यह बताएगा कि हाँ इस वीडियो में दम था, लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं जैसे मैं आपको फाइनेंशियली मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, ऐसे ही आप प्लीज मुझे मोटिवेट करने के एक लाइक दबा के ही आगे बढ़िए। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक दिए हैं, जिसमें आप चाहें उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो 5 शेयर्स हैं जो बेहतरीन हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। दोस्तों ये रहे वो 5 शेयर आपके सामने। अगर आपको सिर्फ शेयर के नाम जानने में इंटरेस्ट था तो गाइज ये वो शेयर है। पहला शेयर IRB, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, IOC एंड सारेगामा। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल एनालिसिस करें तो वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग थी पहले वो 26% हुआ करती थी, अब बढ़ के 53%, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है, 27% के आसपास का उछाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर में HAL में देखें तो 13% का उछाल है, मैक्स हेल्थ में 9% के आसपास का उछाल है, IOC में 8% का उछाल है, और सारेगामा में 7% का उछाल। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है इन सभी 5 शेयर्स के अंदर में। अपने फेवरेट स्क्रीनर के पास चलते हैं, जाके देखते हैं कि ये शेयर वाकई लेने लायक है या नहीं है। फाइनल डिसीजन आपको होगा। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी बाइंग और सेलिंग की सलाह है, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि आपको एनालिसिस पसंद आती है। दोस्तों पसंद आ रही है तो लाइक प्रेस कीजिए। हम चलते हैं अपने स्क्रीनर के ऊपर, और ये फेवरेट स्क्रीनर बहुत ही सिंपल वेबसाइट जो आपके सामने रखता हूं। मैं चाहूं तो बिल्कुल कंपाइल करके एक PPT बना दो सुंदर सी ताकि आपको लगे पता नहीं कहां से डेटा ले गया है, पर मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस करें जैसे मैं करता हूं, मेरे साथ रखें क्लासरूम की तरह से। पहला शेयर इसमें रहेगा IRB, जो हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया, आप उनको भी देख सकते हैं, इसमें ज्यादा नहीं देखेंगे। हमें मालूम है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है, इसमें पहले देख चुके हैं, पहली वीडियो में इसको डिस्कस किया है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है कंपनी 15,000 करोड़ की है, फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है, और कंपनी हाल फिलहाल बहुत ही काम करी। पहले इसका रिटर्न बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ करता था, बट जैसा बजट में फोकस अब दिखाई दे रहा है, हो सकता है कंपनी आने वाले टाइमों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे हम अगर इन्वेस्टर्स को देखने की कोशिश करें तो इन्वेस्टर्स कॉलम बहुत ही अट्रैक्टिव इसका दिखाई देता है, जहां पर प्रमोटर्स पहले 58% इक्विटी होल्ड करते रहे, उन्होंने इक्विटी अपनी शेड ऑफ की है, उन्होंने बेचा 34% की इक्विटी होल्ड करें, बट ये इक्विटी गई कहां, ये 13% जो FIIs पहले होल्ड करते रहे वो बढ़ के हो गया 48.15%। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पब्लिक के पास से माल निकल रहा है, पब्लिक बेच रही है 15% से 12% पे आ गई है, म्यूचुअल फंड्स DIIs बेच रहे हैं 13% से 5% पे आ गए। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है स्ट्रॉन्ग हैंड से माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे लिए इसके लिए एक ट्रिपल प्लस है या गो साइन है, तो मैं इस कंपनी को प्रेफर करूंगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। अगली कंपनी जो इस कड़ी में है वो देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज HAL। मैंने आपको कहा था ये कंपनी भी एक बजट स्पेसिफिक कंपनी हो सकती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहां इस कंपनी को देखेंगे तो बड़ी दिग्गज कंपनियों में से कंपनी है, अपने शेयर की एक दिग्गज कंपनी, अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, 45,000 करोड़ की ये कंपनी है,
26% का ROC, 22% के आसपास का ROE बहुत ही शानदार है। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास में 13,000 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट है और डेट जो था कंपनी के पास 6,000 करोड़ का, मतलब कंपनी मोटा मोटा नहीं ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जो डेट फ्री कंपनी होती है उनके पास एक्सपेंशन करने का बहुत अच्छा मौका होता है, और स्पेशली सबसे बड़ी बात जब 13,570 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो हो तो ये रिजर्व बहुत बड़ा है, कंपनी कुछ भी कर सकती है। कंपनी करती क्या, इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, रिपेयर मेंटेनेंस करती है, किसका, एयरक्राफ्ट का और हेलीकॉप्टर्स का। तो बेसिकली एकमात्र कंपनी दिखाई देती है और डिफेंस प्रोग्राम के लिए, इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम के लिए ये कंपनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लगी। और जब हमने कहा था इस बजट में, हिंदुस्तान ने कहा है कि हम 68% हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर से डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बहुत ही दिग्गज नाम समझ में आता है, ये एक मेजर बेनिफिशियरी समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशंस इसको ले रहे हैं तो एक अच्छा साइन है। चलिए देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस पहले क्या रखते थे, अब क्या ले रही हैं। गाइस ये कंपनी प्रमोटर के हाथ में, देखिए पहले ही प्रमोटर के पास 90% माल होता था, अब प्रमोटर 75% होल्ड करते हैं। FIs 2% होल्ड करते थे, अब वो 3% होल्ड करते हैं। DIIs जहां पहले 5% होल्ड करते थे, अब वो 18% होल्ड करते हैं। तो हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, प्रमोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, FIs की बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली यहां पे मेजर एक ट्विस्ट दिखाई दे रहा है और पब्लिक के पास से माल चला गया है, 17% से पब्लिक के पास सिर्फ 3% इक्विटी है। तो आप सोच सकते हैं ये शेयर कहीं से भी कहीं जा सकता है। अगर इस कंपनी के शेयर के भाव पे देखा जाए तो कंपनी का भाव अभी चल रहा है 1,350 रुपये के आसपास में आज की क्लोज है। आज हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं और यहां पे कंपनी का जो पी है, इंडस्ट्री पी 23.7 का है और स्टॉक का पी 12 का, तो अंडर वैल्यूड इसको कह सकते हैं। अच्छी फेयर वैल्यूएशंस पे कंपनी दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया। और हमेशा फ्री कैश फ्लो देखिए, 5 साल का फ्री कैश फ्लो 1,000 करोड़ के आसपास का, 3 साल का फ्री कैश फ्लो 5,000 करोड़ का, और कंपनी लगातार डेट तो कुछ इसमें है ही नहीं, कैश इक्विवेलेंट कंपनी का 13,500 करोड़। मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन अगेन आफ्टर दिस व्हाट वी डिस्कस फर्स्ट वाज IRB, नाउ सेकंड इज HAL। चलिए लेट अस गो एंड चेक द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट एंड दैट इज मैक्स हेल्थ। देखिए जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से आपने देखा था हमारी लास्ट वीडियोस में, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी पैसा लग रहा है, वहाँ पे भी प्रमोटर्स और जो इंस्टीट्यूशंस है बहुत एक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी दूसरी निकल के आ रही है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, ये 36,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का ROC और ROE बहुत इफेक्टिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, बट कंपनी के पास, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, समझ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कैश इक्विवेलेंट 650 करोड़ के आसपास के हैं, डेट 650 करोड़ के आसपास था, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ कंपनी बेसिकली किस बिजनेस के अंदर, इट इज एंगेज इन दी इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू प्राइमरी केयर क्लिनिक्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, प्रोवाइडिंग ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, मेडिकल सर्विसेज, क्लिनिकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सर्विस एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, सभी के सभी मैक्स, आप जानते हैं मैक्स की चेन को, आप जानते हैं मैक्स हेल्थ केयर बहुत ही बड़ा नाम है। यहाँ पे अगर ये कंपनी के अंदर में पैसा आ रहा है तो कौन पैसा ला रहा है वो देख लेते हैं, हम इन्वेस्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस, जहाँ पे प्रमोटर पहले 82% होल्ड करते थे, अब प्रमोटर 61% के आसपास में होल्ड करते हैं। बट ये जा कहाँ रहा है, FIs भी 14% से बढ़ के 16% के आसपास आ गए, 16.67%। बट असली ट्विस्ट है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, देखिए DIIs जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, 8 बैंक्स हो सकते हैं, 8.7% से 15%, तो ऑलमोस्ट 100% चेंज आ गया है मैक्स के DIIs के कॉलम के अंदर में। और पब्लिक ने माल बेच दिया, पब्लिक 16% से शायद प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गई होगी। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर जा रहा है और बेसिकली वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर जा रहा है। तो वीक हैंड से निकल के माल अगर स्ट्रॉन्ग हैंड उठा रहे हैं तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा साइन है, तो इसके लिए भी मैं ट्रिपल प्लस देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये कंपनी भी हमको अपने रडार में रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंपनी, आपकी हमारी सबकी जानकार कंपनी, सबकी फेवरेट कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ग्रीन एनर्जी की तरफ भी काम कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी IOC का नाम समझ में आता है और कंपनी एक दिग्गज कंपनी है, वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज इन द कंट्री, और 1,13,000 करोड़ की कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट 1,000 करोड़ के आसपास में, डेट बहुत बड़ा है कंपनी के पास में, बट कंपनी के पास कोई ना कोई प्रोविजन होंगे अपने डेट को खत्म करने के लिए। बड़ी कंपनी ऐसा ही करती है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 की है, विच इज मैनेजेबल बाय सच लार्ज कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनी है। इट इज अ महारत्न कंपनी, इट इज अ महारत्न कंपनी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकारी कंपनियां तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कंपनी क्या क्या काम करती है, इट इज इनटू रिफाइनिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टू R&D, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, बनाती है, निकालती है, तेल बेचती है, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स। इट हैज
been into the leadership position in the oil refining and petroleum marketing sector of India. Leader है भैया आपने सेक्टर का, तो होगा क्यों नहीं, सरकारी कंपनी है तो it possesses 32% of total refining capacity of India. 32% total refining IOC करती है. तो कंपनी के fundamentals चेक हमारे हो गए हैं. अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे इसमें इफेक्टिव हो रहे हैं. देखिए इंस्टीट्यूशंस पे अगर नजर डालने की कोशिश करेंगे, प्रमोटर के पास तो 51% इक्विटी है, मेंटेन है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. FIs 7.21 से 7.94 है, इनका भी थोड़ा थोड़ा रुझान यहाँ पे आने लगा है. DIS 4% से लेके 4.5% से बढ़ के हो गए हैं 12.5%. ये अच्छा फिगर आपको दिखाई देती है. पब्लिक के पास माल घटा है, तो पब्लिक का 36% से 27% हुआ है. तो बेसिकली फिर से स्ट्रॉन्ग एंड के पास माल गया, आया कहाँ से, वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास माल जा रहा है. तो फिर से मुझे इसके लिए भी मैं प्लस प्लस कहने की कोशिश करूंगा, तो ये भी मेरे पोर्टफोलियो के रडार में ही कंपनी चली जाती है. नेक्स्ट कंपनी कौन सी है सेक्टर में वो देख लेते हैं. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया गया, सारे गामा. जी हाँ, म्यूजिकल कंपनी, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है. अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं. पूरा कंपनी का जो खेल है वो सारा म्यूजिक के अंदर है. 8600 करोड़ की कंपनी है. ठीक ठाक सी कंपनी है, अच्छी है. और कंपनी का रिटर्न ऑन नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है. और यहाँ पे कंपनी के ऊपर में डेट कुछ है नहीं, 9 करोड़ के आसपास का डेट था कंपनी के पास, 150 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है. तो अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है. तो यहाँ पे ये कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली तो मुझे सही दिखाई देती है. अब यहाँ पे अगर देखें कि भाई इन्वेस्टर्स का क्या खेल है, तो इन्वेस्टर्स का हम रुझान देख लेते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं. यहाँ पे प्रमोटर ने अपना माल कम किया है, 63 से 57 हुआ है. और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स FIs ने 9 से 16% किया है. और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे वो भी 2.84 से 3.65 की तरफ जा रहे हैं. और पब्लिक का जो माल है वो घटा है, 23% से लेकर 21% के आसपास आया. तो पब्लिक ने 2% के आसपास माल कम किया है. तो बेसिकली ये भी एक स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में मूव करती हुई कंपनी है, और वीक हैंड से भी ये कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड में ही जा रही है. तो यहाँ भी मैं इस कंपनी को 3+ देना चाहूंगा मेरे हिसाब से. दिस वॉज दी एनालिसिस फॉर दोज 5 कंपनीज जो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं. मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको भी इनको लेना है, बट हाँ आप इन कंपनीज को स्टडी जरूर कर सकते हैं. अगर आप अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है इनमें से एक कंपनी आपके रडार में हो. उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक प्रेस करके ही आगे बढ़े, क्योंकि वही मेरी मोटिवेशन है, वही मुझे मोटिवेट करती है डेली आपके लिए नया कंटेंट लेके आने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेके आने के लिए, ताकि आप भी मेरी तरह ही नॉलेजेबल हो जाए. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.